आइए देखते हैं चिकन शिजवान रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर चिकन लिया है जिसे बॉईल कर लिया और इसे इस तरह से श्रेड कर लिया है। ये तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है। इतने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून जितना मुझे यहाँ पर शेजवान सॉस लगेगा, और साथ में मैंने यहाँ पर हाफ कप जितना ही प्याज लिया है, 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लिया है, 1/4 कप जितना ही मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने टमाटर लिया, 1 टेबल स्पून मैंने कोथमीर लिया। सभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। मसालों में मुझे लगेगा अदरक घिसा हुआ 1/2 टीस्पून, लहसुन बारीक कटा हुआ 1/2 टीस्पून, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। और आप लोग चाहें तो इसमें सिरका वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉस वगैरह में रहता है तो मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए, और साथ में हमें लगेगा रोल की पट्टी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए जिसे बनाना शुरू करते हैं, मैंने एक पैन ले लिया जिसमें 1 टेबल स्पून जितना मैंने तेल ले लिया है, और इसमें जो है अब मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है वो डालकर इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तमाम चीज़ें जो हम लोग थोड़ी सी छोड़ने वाले क्योंकि हम लोग इसे फ्राई करने वाले हैं, तो बाकी चीज़ें जो खुद ब खुद पक जाएगी बाद में। अब इसमें मैं प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, धनिया ये सारी चीज़ें एक साथ डालने वाली हूँ, और इसे भी बस हल्का सा भून लेंगे। देखिए तमाम चीज़ें जो है हल्की से भून गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हम लोगों को। अब इसमें मैं डाल दूँगी तमाम मसाले हमारे, टोमेटो सॉस, शेजवान सॉस, चिकन और तमाम चीज़ों को जो है हम लोग मिला लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये अब रेडी हो गया है, इसे हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये अब ठंडा हो चुका है। मैंने यहाँ पे कुछ समोसे की पट्टी या रोल की पट्टी होती है शीट है ये वो तैयार कर ली है, और ये अभी फ्रेश ही है, मेरा होममेड है। ये देखने के लिए आप लोग मेरी रेसिपीज़ में जाकर देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे स्लरी तैयार की है, 1 चम्मच जितना मैंने इसे मैदा लिया है, और 1 चम्मच जितना मैंने कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच पानी, इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो शीट है हमारी इसे उल्टा कर लेंगे, जो जिस पे पैचेस हैं वो अंदर के साइड कर लेंगे हम लोग। चम्मच से नाप कर 1 चम्मच जितनी जो है हम लोग इसमें क्वांटिटी भर लेंगे। अब इसे जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसे बिल्कुल फिक्स करके मोड़ना है। इस तरह से मोड़ने से साइड्स जो है ना इसके लॉक हो जाते हैं। अब ये जो है स्लरी ये हम लोग यहाँ लगा लेंगे, मामूली से ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है हम लोगों को, और इसे इस तरह से दबा देंगे। देखिए साइड से भी पूरे क्लोज हैं ये दोनों तरफ से, और कितना अच्छा शेप आ गया है। इस तरह से जो है ये बना लेंगे हम लोग। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ये दूसरा तरीका है। इसका जो पैच साइड है हम लोग ऊपर कर लेंगे, एक फिक्स क्वांटिटी जो हम लोग डालेंगे, इसे एक बार फोल्ड करके इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अब हम लोग अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे तरह से लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये हिलेगा नहीं इस तरफ से। अब इसे भी हम लोग जो है इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह से लगा लेंगे, और ये रोल जो है हम लोग इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, चलिए इस तरह से मैं तमाम रोल जो है रेडी कर लेती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इतने मिक्सचर से मैंने यहाँ पे 8 से 10 जो है रोल्स वो रेडी कर लिए हैं। मेरी कुछ शीट्स बच गई हैं तो ये शीट को मैं सेव कर लूँगी। ये देखिए मैंने जो है एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, और तेल जो है अच्छा गर्म हो गया है। अब हम आज इसकी जो है वो हाई मीडियम पर रखकर एक एक करके जो है इसे डाल देंगे। और इसे जो है चारों तरफ से घुमाकर हम लोग पका लेंगे।
देखिए इसे जो है एक साइड से जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया, अब इसे हम लोग जो है ना पलट पलट के बना लेंगे इस तरह से। इसे बिल्कुल इस तरह से घुमाते हुए इसे पूरा गोल्डन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए पूरा गोल्डन होने देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से जो है अच्छी खासी हो गई है, अब इसे जो है हम लोग निकाल लेंगे। इसे मुझे पूरा 15 मिनट लगा है फ्राई करने। चलिए इसका जो है ऑयल वगैरह पूरा निकाल देती हूँ, इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ।